एक पुलिस वाले की, एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई, कुछ पुलिस वाले घायल हुए हैं, इसके अलावा कुछ और सिविलियंस की मौत हुई है। ये भी सब लोग जिनकी भी मौत हुई है, पुलिस वाले भी और जो सिविलियंस थे, वो सब हमें हमारे ही थे, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही दिल्ली के लोग हैं, हमारे ही देश के लोग हैं। तो जैसे जैसे अगर हिंसा बढ़ती है तो कल को किसी का भी नंबर आ सकता है, वो भी किसी ना किसी परिवार के सदस्य थे जिन लोगों की मौत हुई है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। जिन लोगों के घर जल गए वो अच्छी स्थिति नहीं है, जिन लोगों की दुकानें लूट गई वो अच्छी स्थिति नहीं है, जिन लोगों की गाड़ियां मोटरसाइकिल चली गई जल गई वो अच्छी स्थिति नहीं है, और इसमें सभी लोगों का नुकसान हो रहा है। कल को आज किसी का हो रहा है, कल को किसी और का होगा। तो अभी अभी मैंने एक मीटिंग ली थी जिसमें जो अफेक्टेड एरियाज हैं उनके सभी विधायकों को बुलाया था, चाहे बीजेपी के विधायक हों चाहे हमारी पार्टी के हों, दोनों के विधायक आए थे और सभी सीनियर ऑफिसर्स थे कंसर्न डिपार्टमेंट्स के। और जो उसमें निकल के आया वो ये कि एक तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को सबको आदेश दिया गया है कि वो मुस्तैदी से काम करें, सभी हॉस्पिटल्स तैयार रहें, अगर जो भी इंजर्ड लोग आते हैं उनको तुरंत अच्छे से अच्छी उनको इलाज मिलना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट वालों को आदेश दिया गया है कि उनको एक दिक्कत ही आ रही है जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे पहुँचने में, तो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके वो लोग वहाँ पे समय पे पहुँचें। सभी विधायकों का एक जो कॉमन शिकायत थी वो ये कि पुलिस का संख्या बल बहुत कम है, पुलिस की संख्या बहुत कम है, और पुलिस को नीचे नीचे पुलिस को एक्शन लेने की पावर्स नहीं है। जो लोकल लेवल पे विधायकों ने भी पुलिस से बात की तो वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं जब तक उनको ऊपर से ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे कि अगर उनको अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको लाठीचार्ज करने की, हवाई फायर करने की, उनको जब तक ऊपर से ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तब तक वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। ये ज़रूरत है। जो अभी मैं अमित शाह जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ 12 बजे, तो उनसे भी गृह मंत्री जी से ये इसकी जिक्र करूँगा। इसके अलावा बॉर्डर के जो हमारे एरियाज़ हैं वहाँ के विधायकों ने कहा कि बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो उन बॉर्डर्स को सील करने की ज़रूरत है और प्रिवेंटिव अरेस्ट करने की ज़रूरत है जो जो लोग पे शक हो।